हम इसी काबिल थे। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वी डिजर्व्ड जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। तो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर को इस चीज का पता था कि मुस्तकबिल में जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में होना है उसमें रशिया फैक्टर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम भोए हैं, जमीनी तौर पे घटिया लोग हैं। क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा। देखिए, इंडिया वो मुल्क है जिसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके बॉर्डर से बहुत बाहर चला गया। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, 900 साल की गुलामी काटने वालों की औलादें फिक्री तौर पे गुलाम हैं, ये साइकिल पे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रशिया दौरा इस समय पूरी दुनिया के अंदर जो है ना टॉप न्यूज में बना हुआ है। क्या रशिया, क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसकी चर्चा की जा रही है। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना अपनी नज़र बनाए हुए हैं इस दौरे के ऊपर कि क्या कुछ निकल कर आता है। पाकिस्तान का मीडिया भी लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहा है कि मोदी जी रशिया विजिट पर जा रहे हैं, यूक्रेन वॉर के बाद ये फर्स्ट उनका विजिट होगा, तो यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आएगा। रशिया और भारत जो है वो क्या कुछ आगे के लिए डिसाइड करेंगे, तो इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वक्त क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। और ये स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से, दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदी मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने ये भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं जिस जगह पर, उनके ऑफिस को, वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin and West is watching this trip with jealousy. तो मेरा सवाल ये होगा कि jealous कौन और नहीं है? सिर्फ West की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन jealous नहीं है? चाइना को इस वक्त problem नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नजदीक फिर से क्यों आ रहे हैं, फिर से क्या? वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए, जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है, सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लवरों से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने के, देखिए अब ये जो है ये तो फिर से
बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्म जोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश शोरों से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहां पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आजम इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नजरें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल कि वेस्ट जेलस क्यों होगा, क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहां पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं, आपने देखा था, मैक्रोन से लेकर वहां के जो हैं लीडर्स वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर मैक्रोन के साथ, आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था वो क्या आपने नहीं देखा। फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशन है। और जॉर्जिया मेलानी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्वीदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये हमें नजर आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें दोस्त जो है वो जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गुड़िया ओथे भी ते अथे भी होता है ना। कि असल में बात यह है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो वधाइयां किसी दे नाल ते लाइयां किसी दे नाल, लाइयां किसी दे नाल ते वधाइयां किसी दे नाल, ये कहा जाता है पतंग चढ़ाता कोई है तो काट के कोई और ले जाता है। असल में वेस्ट को ये फिक्र है, मगरब ये जरा सोच विचार में है कि भाई ये ना हो जाए कि जो इंडिया है मोदी साहब है वो भी जाकर उधर खड़े हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं वो कहीं पर किसी के साथ खड़े नहीं होते, उनकी जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है वो कभी किसी के साथ इस तरीके से खड़े नहीं होंगे कि वो या तो नेटो में शामिल हो जाएं या फिर वो कहें कि हाँ जी रशिया अगर कह रहा है तो हम रशिया और चाइना के साथ मिलके इस ब्लॉक में आ जाते हैं, नो नो या भूल जाए। और यही वजह है मैं आपको ये भी बताऊं कि उनकी ये जो पॉलिसी है असल में उनकी जो डिमांड है मोदी इन डिमांड ड्यू टू हिज पॉलिसीज, उनकी जो थर्ड इनिंग्स अब स्टार्ट हुई है 3.0 मोदी, उसने तो तहलका मचा दिया। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि वीडियो के अंदर आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर उनके दौरे को लेकर रशिया किस प्रकार से उत्साहित है तथा साथ में जो दुनिया वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, और रशिया उन सबको कह रहा है कि ये जो है ना वो जेलस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजिट को लेकर, और यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि इस विजिट से रूस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अगले स्तर तक जाएगी। तो आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।